गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की हथेलियों और तलवों पर बाल क्यों नहीं उगते? और क्या आपको पता है कि एस्केलेटर के किनारे पर ये ब्रश क्यों लगे होते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में। गाइस, आपने कई ऐसे जानवर देखे होंगे जिनकी हथेलियों और पैरों के नीचे बाल रहते हैं, लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र के इंसान की हथेलियों या पैरों के तलवों पर बाल नहीं होते। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। गाइस, इंसान की हथेलियों और तलवों पर बाल क्यों नहीं होते, ये बात लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई थी। हालांकि साल 2018 में एक शोध में आखिरकार इस सवाल का जवाब मिल ही गया। गाइस, हमारे शरीर में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे बॉन्ट कहते हैं। ये प्रोटीन मैसेंजर की तरह काम करता है जो सेल्स के बीच बालों को उगने, स्पेस और उनके बढ़ने की जानकारी ले जाता है। इस प्रोटीन द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल बालों को उगने के लिए जरूरी होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि शरीर के जिन हिस्सों में बाल नहीं उगते, जैसे तलवे और हथौली, उनके प्रत्येक रूप से शरीर में मौजूद अवरोधक होता है जो इस प्रोटीन को अपना काम करने से रोकता है। ये अवरोधक भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है जिन्हें डिकॉप्टू कहा जाता है। गाइस, आपने मेट्रो स्टेशन या शॉपिंग मॉल में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए कई बार एस्केलेटर का इस्तेमाल किया होगा। इस दौरान आपने एस्केलेटर के दोनों किनारों पर बनी पीली लाइन और उसके ठीक ऊपर लगे ब्रश पर भी गौर किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एस्केलेटर के साइड में ये ब्रश क्यों लगे होते हैं, या वो पीली लाइन क्यों बनी होती है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। गाइस, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये ब्रश जूते साफ करने के लिए होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एस्केलेटर के इन ब्रश को पीली लाइन से ठीक ऊपर लगाया जाता है, जहां ये लाइन खतरे की रेखा के रूप में काम करती है। दोनों तरफ बनी इन लाइन का मतलब होता है आपको एस्केलेटर पर चढ़ते समय अपना पैर इस निशान से दूर रखना है। एस्केलेटर की दोनों तरफ लगी ये ब्रश सेफ्टी फीचर की तरह काम करते हैं। ब्रश साइड और बॉल के गैप को छिपाने के लिए लगाया जाता है। दरअसल एस्केलेटर पर चढ़ने या उतरने के दौरान किसी महिला की साड़ी, पेन, सेफ्टी पिन, सिक्के, जूते के फीते जैसी बहुत सी छोटी मोटी चीजें इन गैप के अंदर आसानी से पहुंच सकती हैं और गियर में फंसकर मशीन को खराब कर सकती हैं। ऐसा ना हो इसलिए इन ब्रश को दोनों किनारों पर लगाया जाता है। इससे अगर आपके हाथ या जेब से कोई चीज गिरती भी है तो इन ब्रश में डाइवर्ट होकर वापस स्टेयर्स पर आ जाती है। इसके अलावा ये ब्रश लोगों को सेफ्टी के लिए भी वहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं। ब्रश एक वार्निंग की तरह काम करता है। आसान भाषा में समझे तो जैसे ही आपका पैर पीले निशान को पार कर इसके पास पहुँचता है, ब्रश बताता है कि पैर को दूर रखने की जरूरत है। देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब एस्केलेटर में कपड़ा फंसने के कारण लोग घायल हुए हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप एस्केलेटर का इस्तेमाल करें तो पीले निशान से जूते और सामान को दूर रखना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, आपको इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।